देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का कर्म है कि मान लीजिए हम लोग जितना झारखंड में जो भी पेशेंट धराया पकड़ाया है, और हम लोग मुस्लिम समाज से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई जो संक्रमित हैं वो खुद अपने आगे से आकर के अपना चेकअप करा ले, इसलिए कि अगर आप आज नहीं कराते हैं तो आप अपना परिवार का अपना समाज का खुद दुश्मन बन जाइएगा। तो सभी लोग अवेयरनेस हो चुका है कि अगर जिसको होगा हम लोग जा करके उसको चेकअप कराएंगे। और आज के डेट में जो मामला समझबूझ का नतीजा है कि लोग खुद से आगे आकर के अपना चेकअप करा रहे हैं और इस कोरोना से हम लोग मुक्ति पाते जा रहे हैं धीरे धीरे, यही हम लोगों का कहना है। तो है और सभी लोग मुस्लिम खास करके सब लोग अपने अपने घरों में हैं और सब लोग अपने ऊपर वाला का और गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन का ही है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अपील यही करेंगे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर न जाएं। अब घर अगर बाहर किसी ज़रूरत से जाते हैं आप सामान लेने या दवा पानी या दूध जो भी है, तो फिर अपने आके जो हाथ धोना है या कपड़े उतार के रख लीजिए, कपड़े को धोइए, साफ सफाई मेंटेन करिए। यही लोग हम लोग समाज से अपील करते हैं कि सब लोग घर में रहिए। अभी स्थिति बेहतर हो रही है, पहले की अपेक्षा अब स्थिति दिनों दिन बेहतर होते जा रही है। गवर्नमेंट का जो है लॉकडाउन का जो उसका पालन हो रहा है और स्थिति सुधर रही है। टाउन में भी देखिए एनपीडी और जो टाउन का ही में है सब लोग अपने अपने घर में अपने आप को खुद लॉकडाउन किए हैं, तो तब स्थिति सुधर रही है। हम लोग यही कहेंगे कि सब लोग घर में रहिए, थोड़े दिन का बात है, स्थिति इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है और सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं जिससे स्थिति दिन ब दिन बेहतर होते जा रही है। तो हम यही अपील करना चाहेंगे सभी बिरादरी से कि लॉकडाउन का भरपूर पालन करेंगे और ख़ास तौर से आप घर में रहेंगे। कुछ दिनों की बात है, एक सप्ताह और हमको लगता है कि और स्थिति बेहतर होते जाएगी। तो ये सभी का कॉपरेशन है, तो सभी से अपील है कि वो अपने घरों में रहें और कम से कम ज़रूरत के तहत बाहर निकलें, और अगर निकलें भी तो काफ़ी एहतियात से अपना मास्क वगैरह पहन के और सैनिटाइजर का यूज़ करें ताकि इस कोरोना से हम लोग फाइट कर सकें। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर फोर्थ फ्लोर सर्कुलर।